साथ आदरणीय मंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय रामविलास जी से आग्रह कि मंच पे स्थान ग्रहण करें और सभी मंचस्थ अतिथिगण हमारे प्रतिनिधि जनप्रतिनिधियों से भी मेरा आग्रह कि सभी मंच के ऊपर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सभी से मेरा विनम्र आग्रह है, सभी मंचस्थ अतिथियों से मेरा आग्रह कि सब विराज जाएंगे। विनोद जी सब लोग बैठो, अब आप मंच वाले और भाई साहब को बैठाओ, चेयर मंगवा दो भाई साहब। एक बार रुको तो आ जाएंगे, दो मिनट रुको। सभी से मेरा विनम्र आग्रह, मंच पे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सब लोग अपने अपने स्थान पे विराज जाएं। और मैं आदरणीय मंत्री महोदय के साथ जितने भी गेस्ट पधारे हैं सबसे मैं विनम्र आग्रह करूंगा कि वो मंच पे पधारे। ना भाई देखो खिडवाना वाली नारा नहीं है, देखो ए मारी बहन बुआ बैठी अण की आवाज थारे ज्यादा है। भारत माता की, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, सुभाष पूनिया जिंदाबाद। आज हरियाणा से चल के आप सबको प्रणाम करता हूं। आपका हमारा रिश्ता ये हरी मिर्च की रागनी मैं भी सुनूंगा कभी तुम ये। ये बहुत जोरदार कलाकार है छोटी उम्र में। मैं थारो पड़ोसी भाई हूं, देश में चुनाव है, 3 प्रांतों में चुनाव हो चुके हैं, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, मिजोरम में। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में 4थी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मेरे साथ में मेरी सरदारी आई है मुन्ना सिंह शेखावत, खड़े होके एक बार सबका अभिवादन करो, राम राम करो। अपना रिश्तेदार है, सगा है, कोई झूठा साचा थोड़ी। मुन्ना सिंह शेखावत सतनाली के मालिक हैं। अब सुभाष जी पूनिया के लिए हम यहीं रहेंगे। महिपाल सिंह जी तंवर, आप डीग्रोता के सरपंच साहब हैं। योगेश शास्त्री जी, आप डीग्रोता से हैं, कॉलेज चलाते हैं, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता है। राकेश सिंह शेखावत, आप हमारे सतनाली से युवा मोर्चा के प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता है। ये मोनिका नागर है, ये हमारी सतनाली ब्लॉक समिति की चेयरपर्सन है। आपको घराड़ो सुरेंद्र नागर है, आगे से आने तू शर्मा, सरकारी अधिकारी है, उरे किसो सरकार। अरे हरियाणा में तो मेरा डिपार्टमेंट है, उरे सुभाष का यो डिपार्टमेंट चेपनाला। हम थोड़ा दिन में सुरेंद्र नागर, आप मोनिका जी के पति परमेश्वर हैं। डॉक्टर राज यादव बवाणिया गांव में रहते हैं और महेंद्रगढ़ मंडल भाजपा के अध्यक्ष हैं। कंवर सिंह, कप्तान कंवर सिंह यादव, आप भी बवाणिया से हैं। डालू सिंह जी कहाँ हैं? ए मुछाड़ो मारकन इतो बड़ो मामलो है। डालू सिंह तंवर हैं, महेंद्रगढ़ मार्केट कमेटी के चेयरमैन हैं, बसई गांव के 3 योजना आप सरपंच भी रहे। धर्मपाल सिंह जी, आप भी बसई से हैं, धर्मपाल सिंह जी हमारे बहुत वरिष्ठ। राजेंद्र सिंह शेखावत, आप डाणा में रहते हैं और सतनाली बीजेपी के आप अध्यक्ष हैं। प्रवीण कुमार, सतनाली का जो बास है, थारा कांकड़ पर है, उरी का सु पहली है, ये वहां के रहने वाले। शिव कुमार जी यादव, आप बचीनी गागड़वास बचीनी के, हमारी सब की मैं अनका जेब में 100-100 50-50 मुखो गाल की चालियो भाई,
केवल अपनी बाण बुआ ने नहीं, उनकी जिठानी ने भी राजी करनी है, उनकी देवरानी ने भी राजी करनी है। बहुत बड़ी टीम भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हिंदुस्तान की नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। राजस्थान में बड़ो रोड़ो माच रहे है। अशोक जी गहलोत कहे हैं कि भाई हम 8 आदमी हां जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है। अरे गदी ठाण में पड़ी खेतड़ी का भाड़ा कर, 8 आदमी उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी आपकी पार्टी, गरीब की पार्टी, हरिजन बैकवर्ड की पार्टी, हाड़ी और पाड़ी की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने सब प्रांतों में पहली बात कह दिया। काल में जयपुर में देखो सतीश पूनिया खातर तो 8-10 फोटो लगा रखा, बोलो नारी का सम्मान करेंगे। अरे कोई उम्मीदवार तो बताओ, मुख्यमंत्री को कोई उम्मीदवार तो बताओ। हमारी आदरणीय मेंबर पार्लियामेंट बहन संतोष सहलावत आई है, एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करो यारो। मैं आपकी सेवा में कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा जी के शासन काल में हम उरे सूरजगढ़ वाली गुड़ को ब्लैक चालो थारे याद है के बूढ़ा के याद है। कांग्रेस का राज में ओ भाण ने मिलन भाई आवे घर से सुवाली गुलगुला बना के लावे, मेरा साला कांकड़ पर पकड़ ले। बोले हरियाणा का गेहूं राजस्थान में नहीं आ सकता। एक देश एक जन, आप कहीं से कहीं चले जाइए, हमारा इतिहास पूछ रहे। अरे भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखिए, हम ऐसे नाचने गाने वाले लोग नहीं हैं। ये नवजोत सिद्धू हमारे यहां भजनलाल जी पार्टी बदला करते थे तो मैं विधानसभा में उनको कहा करता था, मैं उनको विधानसभा में कहा करता चौधरी भजनलाल जी आप कल तक हमारे साथ थे, आज सत्ता के लिए उधर चले गए। मैं कहा आपकी हैसियत तो उन बच्चों जैसी है, बच्चे बड़े हो गए वो स्कूल में गए, स्कूल में साथियों ने पूछा अरे थारो गोतनाथ के है, टाबर साची बोले, बोले भाई पहले थे हम जिम जुलाहे फिर हो गए दर्जी, आजकल जाट के घर आ गए माँ की मर्जी। जाट सो आगे कोई जान कौन दे, हमने हमने जो बात है, अरे अरुण जेटली हिंदुस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर, नवजोत सिद्धू तेरे लिए काला कोट पहन करके सुप्रीम कोर्ट में गया, आपको 3 साल की सजा हुई थी, अरुण जेटली की कृपा से आपको चुनाव लड़ने का अधिकार मिला था। आप कहते थे भारतीय जनता पार्टी मेरी मां है और आप कांग्रेस में चले गए, मां को बदल लिया। भारतीय जनता पार्टी शहीदों की पार्टी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के 30 साल की उम्र में बंगाल में वाइस चांसलर बन गए, उनके पिता आशुतोष मुखर्जी बंगाल हाई कोर्ट के जस्टिस थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1952 में प्रधानमंत्री बने, उनके साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, जम्मू कश्मीर जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था,
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पार्लियामेंट में भाषण दिया था कि एक देश में दो विधान, एक देश में दो प्रधान, एक देश में दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और मैं जम्मू कश्मीर जा रहा हूं, भारत सरकार के उद्योग मंत्री पद से ठुकरा के जा रहा हूं, जिस माई के लाल में दम है मुझे गिरफ्तार कर ले। ये सैनिक सरदारों का इलाका है, ये झुंझुनू की सरदारी, ये महेंद्रगढ़ रेवाड़ी नारनौल के सरदार सुसूल में 1962 की लड़ाई में सबसे ज्यादा शहीद हमारे हुए, 1971 की लड़ाई में सबसे ज्यादा शहादत हमने दी थी। और डॉक्टर मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया 1953 में, डॉक्टर मुखर्जी की लाश वापस आई, परंतु जम्मू कश्मीर में परमिट सिस्टम खत्म हो गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, उनकी लाश मुगल सराय स्टेशन पर 3 टुकड़ों में मिली। यह हमारा इतिहास है, देश के लिए कट के मर जाना, देश के लिए कुर्बानी दे देना, यह हमारा इतिहास है, यह हमारा डीएनए है। 1957 में चाउलाई आए थे, चाइना के प्राइम मिनिस्टर आए थे, दिल्ली में आए थे। 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार मेंबर पार्लियामेंट बन करके गए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वाजपेयी जी का हाथ पकड़ के चाउलाई के हाथ मिलाया, सी मिस्टर चाउलाई, हियर इज द प्राइम मिनिस्टर मटेरियल। चाउलाई ने कहा अपने विरोधी की परिचय करा रुक लेना, ये दमदार है, ये देश का प्रधानमंत्री बनने वाला आदमी। इंदिरा जी 1971 में बांग्लादेश लड़ने के लिए गई, अटल जी से हॉस्पिटल में आशीर्वाद लेने के लिए गई, वाजपेयी ने कहा दुर्गा भवानी बन करके लड़ो, पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे साथ है। पार्टी ने पूछा प्रधानमंत्री की, वाजपेयी जी आपने तारीफ ज्यादा कर दी, कहने लगे जब देश युद्ध में होता है उसकी हौसला अफजाई जरूरी होता है। एक भाई के मिटा के बड़ी तावड़ लाग रही है प्रधानमंत्री बनन की। अरे जैसलमेर में जाओ, बीकानेर में जाओ, जोधपुर में जाओ, उदयपुर में जाओ, बींदनी बन्ना सू कहती है ए बार डांगी जी बिराजे है बाने टुकड़ो मेलियो। ये हमारी भाषा है, ये हमारा संस्कार है, ये हमारी संस्कृति है, विनम्रता हमारे शरीर का हिस्सा है। ए मटे एक पढ़ाने वाली लुगाई रख रखी है दक्षिण की के मेरे को आप बताना, उन कहो अटल बिहारी, ये नरेंद्र मोदी जो है ये पारस है, इसको चिपक जाओ, आप भी लोहे से पारस हो जाओगे। उनका कहना सु पार्लियामेंट में मटे बाथी तो मार ली, पर अपन ला एमपिया कानी आंख मार दी, बंटा ढार हो गया। पत्रकार छायाकार मित्र यहां पर बात सुन रहे हैं, मैं डंके की चोट कहता हूं। एक गांव में एक नंबरदार मर गयो, पड़ोस को छोरो अपनी मां से पूछने लग गयो, बोले भाई नंबरदारी कहें क्या हुआ, बोले भाई यो मातियो है क्या, बोले मातू भी मर जा तो, बोले जोगेंद्र सिंह का, अरे बोले जोगेंद्र सिंह भी मर जा तो, मां समझ गई, बोला बेटा सारो गांव मर जाए तेरो नाम नंबरदारी में नहीं। भाई हिंदुस्तान को जानने के लिए, अरे बहु तो आप जद कमाने वा सासरा में आवे, जेठ ने जगावे, ससुरा ने जगावे, काक ससुरा ने जगावे, वो छोरियां के साथ पानी भर के लावे, बहु तो जद कही जाने। अगले हिंदुस्तान में एक लड़की पसंद नहीं आई, साल में 15 दिन पता नहीं दुनिया में कहां गायब हो जाता है, अरे हमारा नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया का
यूएनओ का जनरल सेक्रेटरी दिल्ली में आता है। आओ सर, एक बार जोर से ताली बजा दो यार, इतनो सुथरो मोटार आ रहे हो, साफाड़ो मूछाड़ो इब तो मूछ तो सारी गई, कहीं कहीं ने राख रखी है। मैं आपकी सेवा में कह रहा था कि पूरी दुनिया का यूएनओ का जनरल सेक्रेटरी दिल्ली में आया, उन्होंने कहा नरेंद्र भाई आप खुद झाड़ू लगा के आपने स्वच्छता अभियान को शुरू किया, पूरी दुनिया में यह प्रचलन हो गया, धरती का पर्यावरण बढ़ गया, मैं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देता हूं। ये सैनिक सरदारों का इलाका है। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1962 की लड़ाई हार गए थे, अब डोकलाम में चाइना की फौज आ रही थी, ये 56 इंच वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्मला सीतारमण को भेजा, हमारी बहन निर्मला चाइना की फौजियों को नमस्ते का मतलब समझा के आई और वापस चाइना की सेना वापस चली गई। हेमराज नाम का हवलदार मथुरा जिले का, उसका सर पाकिस्तान के दरिंदे काट ले गए थे। ठाकुर राजनाथ सिंह जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, बहन सुषमा जी और हम दोनों तीनों आदमी मिलकर के हेमराज की मां ने अनशन रख दिया कि कटे हुए सर की लाश को अग्नि के हवाले नहीं करूंगी। हमने समझाया अम्मा हमारी सरकार नहीं है, ज्यादा देर मिट्टी को खराब नहीं होना चाहिए, माता जी ने हमारी बात मान ली, अग्नि के हवाले कर दिया। अरे झुंझुनू की सरदारी, मैं तारीख और प्रमाण के साथ बात कहता हूं, हरियाणा का बड़ा जिम्मेदार राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, 5वीं बार मैं हरियाणा की विधानसभा में हूं, चौधरी देवीलाल के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर 1987 में था, चौधरी बंसीलाल के साथ में डिप्टी सीएम था और मनोहर लाल जी का नाम का प्रस्ताव तो मैंने रखा था। यारो प्यारो रिश्तेदारों पड़ोसी भाइयों, 28 सितंबर 2016 को भारत की बहादुर फौज रात के 12 बजे नरेंद्र मोदी के आदेश से पाकिस्तान के अंदर 10 किलोमीटर गई, 90 आतंकवादियों को मार करके मस्जिद के साथ दफना करके सुबह 5:15 बजे आ गई। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान जिंदाबाद हुआ, भारत की फौजी जिंदाबाद हुआ, ये भाई ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक का क्या प्रमाण है। एक तरुण सागर जी दिगंबर संत, बिना लंगोटी के बिना कपड़े के, आज वो दुनिया में नहीं है, उनको 26 अगस्त 2016 को हरियाणा की विधानसभा में सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठा के उनका परिवचन कराया। उन्होंने कहा जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण मांगते हैं उनको पाकिस्तान की नागरिकता ग्रहण कर लेनी चाहिए। मारी गली आवे नहीं और आवे तो जावे नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये हाली पाली की पार्टी है, ये हरिजन बैकवर्ड की पार्टी है। जब कांग्रेस का जहाज डूबने लगता है तब ये नरेंद्र मोदी की मां के नाम से, बिरादरी के नाम से, कांग्रेस ये तो नीच जाति का है, ये तो बैकवर्ड है, ये तो हरिजन है, इनकी जहाज डूबने लगती है ये सारा झुंझुनू की सरदारी बैठी है। मैं आपके बीच में ये बात पत्रकार छायाकार मित्रों के माध्यम से कहना चाहता हूं, भाई सचिन पायलट के नाम उनका गांव को कोई नाम बता दे, उनके नाम कोई दो बीघा खूड बुआना में हो, बड़बर में हो, खांधवा में हो, झांझा में हो, और बहन
ये हमारी श्रवण कुमारी बैठी, संतोष सहलावत बैठी, ये हम सुरेती से आ रहे हैं। कोई राजस्थान में, मेवाड़ में बता दे, राजपुताना में बता दे, एक कूट जमीन बता दे, उनका गांव को नाम बता दे। बातें हो रही, मैं बताता। आज ठाकुर भैरव सिंह शेखावत दुनिया में नहीं, खाचरियावास गांव के रहने वाले, सीकर जिले में खाचरियावास में थानादार लगे, 1952 में पहली बार जनसंघ की टिकट पर एमएलए बने, 8 बार एमएलए बने, 3 बार मुख्यमंत्री बने और देश के उपराष्ट्रपति बने। दल बदल के नहीं। ये बहन संतोष सहलावत हमारी एमपी बैठी, यो सुभाष पूनिया, यो रामरिक की ढाणी को छोरो ए मंडी में थे, कृपा कर दिया ने अपनो रह। और मैं घुघुवास की ढाणी को आदमी मारी और नाल मांगट रही। ऐसे ऐसे लोग, यो रतन सिंह वाणा को पूर्व सरपंच, आज बातें सारी बहन संतोष सहलावत करेंगी, सुभाष जी पूनिया करेंगे। ये हम जो राजनीतिक आदमी है ना, अरे मेरी अब कई माया दाढ़ी के मेरे हाथ लगा के, रे रामविलास तू इतनो छोड़ो, इतनी काली तेरी दाढ़ी, अरे मैं कह माँ 40 साल हो गया लटते पिटते जो है, अब उम्र को तो तगाजो हो ही जाए। हमारे को हौसला अफजाई करने के लिए, हमको आशीर्वाद देने के लिए 5 साल में ये 4 दिन का समय, हम दारू नहीं पीते, दूसरों भाई तो खूब पीवे। अरे आपा जमींदार आदमी, आपा हड़ बाड़ो, आपा ओरणी मुख जा तो ऊन खोल लिया, हड़ अकराल हो तो उनके पात देके आपा सेवो कर लिया, सेवो हो तो अकराल कर ले। हमारे सुभाष पूनिया लोक लाडले उम्मीदवार आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। नहीं नहीं उधर जाओ, अरे आ जाओ, देखो दमदार। मैं तो एक ही बात आपको कह करके, चूरू तक मेरा सफर है, ये सुभाष पूनिया से अच्छा उम्मीदवार पूरे राजस्थान में नहीं हो सकता। और मैं तो 3-4 दिन से पूनिया का ही लाग रहा हूं, परसों सतीश पूनिया को गाड़ो पार करके आया अमेर में, गुणावता में भूमिया महाराज के सभा थी, किरोड़ीलाल मीणा हम थे। अरे आप जमींदार मोटी मोटी दो बात जाना, घणो लंबो छोड़ो मामला नहीं है। ये हमारी बेटी अनीता यादव भी आ गई है, एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करो। अरे जोरदार छोरियां को स्वागत जोरदार करिए। अनीता तू चिंता मत कर, तेरा टेंशन खत्म कर देंगे। जब सरकार बनती है ना तो एमएलए से बड़ी बड़ी पोस्ट हमारे पास होती है। हाँ भाई, कीकर खेत में अच्छी के आप खेजड़ी की पूजा कराना, क्योंकि जांटी की जड़ नीचे जाए वह फसलों के नीचे ज्यादा होती है, बाजरो ज्यादा हो, सरसों ज्यादा हो, सब कीकर खेत में अच्छी नहीं, कांग्रेस देश में आती नहीं। आज पूरी दुनिया ने नरेंद्र भाई मोदी को एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री, एक गरीब का। मैंने बड़नगर में 10x10 के त्रिपाल के नीचे चाय बनाते हुए नरेंद्र भाई, उनकी पूज्य माता, पड़ोसियों के बर्तन मांझ के टाबर पड़ा। मेरो काको साइकिल पर दूध बेचो पंडित गुगन राम ने, ऐ सिरसिला में मारी रिश्तेदारी। भाई
कमा के रोटी खाना, मजदूरी करके बच्चों का पेट पालना, ये पाप है क्या? ये बुराई है क्या? इसलिए आप सबसे यही निवेदन है। अरे नवीन, देखो भाई, सुभाष पूनिया को परिवार, ये आप सब लोग मेंबर पार्लियामेंट, दुनिया की सर्वोच्च पार्लियामेंट की सदस्य आदरणीय बहन संतोष सहलावत हमारे बीच में बैठी है, आप सब राजी है ना? माला माला भाई, पक्की बात है ना? ये जो खड़ा है ये सब राजी है ना? सुभाष पूनिया यहां से एमएलए बनना चाहिए ना? पक्की बात है? अरे थारे सूरज सामने लागे, इसलिए हाथ तो उठा लो भाई। एक गारंटी संतोष सहलावत की उपस्थिति में ये आपका पड़ोसी भाई रामविलास शर्मा देता है, सुभाष पूनिया को पहली सरकार में जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री की शपथ लेगी, आपका सुभाष पूनिया मंत्री की शपथ लेगा। पक्की बात है? ये जीत की माला थारो आशीर्वाद है ना? पक्को है ना? गैलड़ा भाया भाई, या जीत की माला मैं पहना दूं सुभाष ने? भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, सुभाष पूनिया जिंदाबाद, वसुंधरा जी जिंदाबाद। और देखो भाई, पड़ोसी भाई, ये दिन देश की महाभारत 18 दिन हुई थी और ये चुनाव वाली महाभारत भी 18 दिन हुई थी। मैं आज, अरे कांकड़ पार मैं खड़े हूँ थारी सेवा में, और ये सुभाष पूनिया बहुत लाडलो है, आने खाली माला तो थारी आशीर्वाद से पह रहा हूँ, रुपया 1,00,000 में अपनी गोद दूँ भाई आपका चुनाव प्रचार में। भारत माता की, सुभाष जी रतनगढ़ और वहां रतनगढ़ और चूरू तक जाना है आपको, और बहुत बड़ा काम, और वो पांच वाला फाइनल हो गया है। पांच वाला फाइनल, 50,000 की भेंट करेंगे। मैं आदरणीय मंत्री महोदय को आगे जाना है, किडवाड़ा के पूर्व सरपंच साहब और सबसे आग्रह करूंगा कि एक साफा आदरणीय मंत्री महोदय जी को पहनाएंगे, सम्मान स्वरूप हमारे बीच में आए, और एक बार मंत्री महोदय के लिए जोरदार तालियां सभी लोग बजाएंगे। अजी सारा भगवाना राम जी से मेरा आग्रह है कि आदरणीय मंत्री महोदय को साफा पहनाएं। हमारे बीच में हरियाणा से पधारे हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय रामविलास जी शर्मा जी को और किडवाणा की पावन धरती की तरफ से इनका साफा पहनाकर स्वागत करेंगे सागरमल जी खाती। सागरमल जी कृपा मंच पर आए और मंत्री जी को साफा पहनाकर सम्मान कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत आदरणीय मंत्री जी रामविलास जी शर्मा का। हेलो, माला राम जी पर